बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सुबह के मुखिया योगी की सरकार में गांव-गांव दबंग भूमाफियाओं ने लोगों का जीना दुर्लभ कर रखा है। आए दिन भूमाफिया किसी न किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करते रहते हैं। इसी क्रम में चाता तहसील के गांव नई सैमरी में चार दबंगों ने एक विधवा महिला कृपा देवी पत्नी तोताराम की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। घटना बीते शनिवार की है, जब कृपा देवी अपनी पुत्री के साथ उक्त जमीन पर अपने पशुओं को चारा पानी दे रही थी। तभी गाँव के ही राजू पुत्र लालाचंद, वीरो पुत्र लालचंद, देवन पुत्र वीरो, सत्ता उर्फ महीम लाल पुत्र पादमी गाड़ी में सवार होकर आए। वही मुझको व मेरी पुत्रियों को शराब के नशे में गंदी गंदी गाली गलौज करते हुए जमीन को खाली कराने को कहकर मेरे द्वारा विरोध करने पर उक्त चार लोगों ने जमीन पर धक्के मार कर मारपीट करने लगे और कहा कि अगर तुमने जमीन खाली नहीं की तो जान से मार देंगे। वहीं इसकी शिकायत मैंने तहसील दिवस व थाने में की, कोई सुनवाई नहीं हो सकी। शासन प्रशासन भी मुझ गरीब विधवा महिला की ना सुनकर दबंग भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं। वहीं गरीब विधवा महिला का कहना है कि इन दबंग किस्म के लोगों ने हमारी जान को खतरा है। मेरी इस जमीन का मुकदमा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं उक्त पीड़ित विधवा महिला न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। अंत में पीड़ित महिला ने मीडिया के जरिए योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित विधवा महिला ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है तुम्हारा? कृपा देवी। अच्छा, क्या समस्या है आप यहाँ आई हो? सर, मैं इसलिए आई हूँ के मेरे घर वाले हैं जो मुझे मारपीट की धमकी देते हैं। 12 तारीख के लिए काजी 12 तारीख को 6 बजे मैं अपनी मवेशी के लिए सानी करने गई थी। मेरी लड़की है मेरे संग, विधवा है वो भी, रेखा देवी, और मुझे धमकी दी। 4 पहिया की गाड़ी लेके आए थे और मुझे धमकी दी थी कि बुढ़िया धक्का मार के जमीन पर गिरा दी। बुढ़िया तेरी जान को खतरा नहीं, यहाँ से चली जा, और धक्का मार के गिरा दी। जबरदस्त पार्टी है सर। मेरी बेटी आई मुझे बचाने, उससे भी अंट संट बोले थे, गाड़ी के लोग दई थी। कौन कौन लोग थे वो? राजू, बीरो और नीलाल और वो देवन। पिताजी के नाम क्या था उनके? किसके का सर? वो जो चारों लोग थे उनके पिताजी के नाम क्या? उनका लालचंद। सर, कोई पुरानी रंजिश है क्या? हाँ सर, मेरी जमीन है और मुझे उसमें टिकने नहीं दे, नई ईंट डाल देंगे, लाके कब्जो करना चाहते हैं, और जमीन मेरी है सर। पहले कहीं शिकायत करी थी इसकी? पहले सबरा शिकायत करी थी सर, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई थी, थाने भी गई थी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं करी सर। अब मैं पढ़ी लिखी इतना हूँ सर, जानू तानू कछु इतना हूँ। बच्चा मेरे बाहर रहे, 2 पैसा खाने कमाने के लिए, उनके संग आदमी गांव के भी हैं, आन काम के भी हैं, घर के भी हैं उनके। मैं अकेली हूँ सर, मैं डोलूँ पागलन की तरह, बड़ी बूढ़ी बैसे हूँ। सुबह की आया हूँ, सांझ को जाऊँ, बैठ बैठ के चली जाऊँ, कोई मेरी सुनाई नहीं करता है सर। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।